अनुराग घबराते हुए कहता है, ये सब क्या है, क्या है ये सब? अनुराग कोठी के अंदर घुसते ही इतना घबरा गया था कि उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनुराग चित्रा को पुकारते हुए कहता है, चित्रा, चित्रा। चित्रा का कुछ जवाब नहीं आता है। हॉल के अंदर सन्नाटा छाया रहता है। हॉल के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने वहां पर कुछ ढूंढा हो। हॉल की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर कोठी के अंदर घुसा हो, जिसने कोठी का सारा सामान बिखेर कर रख दिया था कुछ ढूंढने की चाह में। अनुराग फिर चित्रा को आवाज लगाता है, चित्रा, चित्रा कहाँ हो तुम? चित्रा का फिर कोई जवाब नहीं आता है। अनुराग घबराते हुए खुद से कहता है, तुम कहाँ हो चित्रा, कहाँ हो तुम? अनुराग हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है और कोठी के अंदर चित्रा को ढूंढने लग जाता है। वो हर कमरे के अंदर जा रहा था और चित्रा को आवाज लगाते हुए पुकारे जा रहा था, पर चित्रा का कुछ जवाब नहीं आ रहा था। अनुराग जिस भी कमरे में जा रहा था, उस कमरे का हाल वैसा ही था जैसे हॉल का था। सभी कमरों के अंदर का सामान बिखरा हुआ था, जैसे वहां पर भी तलाशी ली गई हो, चोर ने कुछ ढूंढा हो। जब अनुराग चित्रा को ढूंढते हुए अपने कमरे यानी रूम नंबर 666 में पहुंचता है, तो वहां का मंजर तो बाकियों के कमरे से भी ज्यादा बुरा था। रेक्स के ऊपर जितनी किताबें पहले जमी हुई थी, सारी फर्श पर एक के ऊपर एक बिखरी हुई थी। पेन, कॉपी, कागज सब नीचे पड़े हुए थे। कमरे के अंदर कदम रखने की जगह भी नहीं थी। अगर वो कदम रखता तो उसके पैर सीधे उसकी किताबों पर पड़ते, जो वो नहीं चाहता था। फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अनुराग पहले अपने हाथों से किताबों को हटाता है और फिर जैसे तैसे करके कमरे के अंदर घुस जाता है। अनुराग अपने कमरे के बीचों बीच पहुँच कर चारों तरफ से अपने कमरे की हालत देखने लग जाता है। अपने कमरे की ये दुर्दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू कैसे ना आते, उसने अपने हाथों से उस कमरे को सजाया था, उसकी सारी चीजों को अपने मुताबिक जमाया था ताकि लिखने में उसका मन लग सके। एक लेखक का कमरा सिर्फ उसका कमरा नहीं होता है, बल्कि उसकी दुनिया होती है। वो दुनिया जहाँ पर वो कहानियों को गढ़ता है और पाठकों के लिए एक नई दुनिया का निर्माण करता है। किसी ने अनुराग के उसी कमरे को तबाह कर दिया था। अनुराग से अपने कमरे की हालत देखी नहीं जाती है। अनुराग को तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने बुक शेल्फ में से उसकी किताबों को जमीन पर नहीं फेंका था, बल्कि उसके शरीर के अंदर से उसकी आत्मा को निकाल कर फर्श पर फेंक दिया था। अनुराग अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए उसके कमरे की बुरी हालत को देख ही रहा था कि फिर उसके मन में चित्रा का ख्याल आता है। उसे चित्रा की याद आने लग जाती है। अनुराग फिर चित्रा को पुकारता है, चित्रा, चित्रा कहाँ हो तुम? मुझे आवाज दो चित्रा, कहाँ हो तुम? चित्रा का इस बार भी कुछ जवाब नहीं आता है। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ अपने कमरे से बाहर निकलता है और फिर से चित्रा को ढूंढना शुरू कर देता है। देखते ही देखते अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के सारे कमरे छान मारता है, पर उसे चित्रा कहीं नजर नहीं आती है। नजर आते हैं तो सिर्फ बिखरे हुए कमरे के सामान। हर कमरा बिखरा हुआ था, कोई भी चीज जगह पर नहीं रखी हुई थी। अनुराग चित्रा को पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में ढूंढ लेता है, पर उसे चित्रा कहीं भी नजर नहीं आती है। आखिरी में थक हार कर अनुराग हॉल में आकर ही खड़ा हो जाता है। वो हॉल के बीचों बीच खड़े होकर फिर चित्रा को पुकारते हुए कहता है, चित्रा कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम चित्रा? अनुराग घबराने लग जाता है। उसके कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो अपनी जेब से फोन निकालते हुए खुद से बड़बड़ाता है, फोन लगाकर देखता हूँ, चित्रा अपने साथ अपना मोबाइल हर जगह ले जाती है। इतना कहकर अनुराग चित्रा को फोन लगाने लग जाता है। अनुराग कान में फोन लगाते हुए कुछ पल बाद चिढ़ते हुए कहता है, शिट, ये चित्रा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? चित्रा का मोबाइल बंद बता रहा था, जिस कारण उसका फोन नहीं लग पा रहा था। अनुराग 3-4 बार चित्रा को फोन लगाता है, पर अंजाम वही होता है, उसका फोन ही नहीं लगता है। अनुराग और ज्यादा घबरा जाता है। वो परेशान होते हुए खुद से कहता है, ये चित्रा का फोन क्यों बंद बता रहा है, आखिर यहाँ हुआ क्या है? अनुराग कुछ सोचते हुए घबराहट के साथ कहता है, चित्रा का फोन भी नहीं लग रहा और घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ है। कहीं मेरी गैर हाजिरी में कोई चोर तो नहीं घुस गया था, उसने चित्रा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। चोर के बारे में सोचते ही उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है, वो टेंशन में आ जाता है। अनुराग परेशान होते हुए कहता है, अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? अनुराग सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। अक्सर जब इंसान परेशानी में फंसता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और अनुराग के साथ भी वही हो रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनुराग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ
पुलिस, मैं पुलिस के पास जाता हूँ चित्रा की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने, अब वही मेरी चित्रा को ढूंढ सकते हैं। इतना कहकर अनुराग चित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहां से निकलने लग जाता है। अभी अनुराग दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। अनुराग दर्द से कराहते हुए कहता है, आह मेरा पैर। अनुराग के राइट पैर में हद से ज्यादा दर्द होने लग गया था, वो दर्द से कराहने लग जाता है। जब अनुराग अपने राइट पैर के पैंट को ऊपर तक खिसकाता है तो देखता है कि उसके घुटने से खून निकलने लग गया था, वो इतनी तेज फिसल गया था। वो पुरानी चोट जो पंचम गांव जाने के बाद उसके राइट पैर में लगी थी वो वापस से ताजा हो गई थी। अनुराग दर्द से कराहते हुए कहता है, आह आउच मेरा पैर, मेरा पैर। अनुराग खड़े होने की कोशिश करता है पर नहीं हो पाता है। अनुराग अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, एक तो चित्रा का कुछ अता पता नहीं है, ऊपर से ये दर्द। कुछ देर तक अनुराग दर्द से कराहते हुए वहीं पर बैठे रहता है पर चित्रा की फिक्र उसे वहां पर बैठे रहने नहीं देती है। वो वापस से खड़े होने की कोशिश करने लग जाता है। जब अनुराग खड़ा होता है और अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो फिर से दर्द से कराह पड़ता है। अनुराग दर्द से कराहते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग चल तो रहा था पर लंगड़ाते हुए, पुराने घाव वापस से ताजा होने के कारण उसने वापस से लंगड़ाना शुरू कर दिया था। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा चित्रा के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने, अगर उसको कुछ हो गया तो जब युग लौट कर आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मुझे जाना ही होगा रिपोर्ट लिखवाने, चित्रा भले ही कैसी भी हो पर है तो मेरी पत्नी ही ना, और मैं अपनी पत्नी को इस तरह नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर अनुराग दर्द से कराहते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। चित्रा की फिक्र उसे आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर कर रही थी। अनुराग दर्द से तड़पे जा रहा था फिर भी अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था, वो चित्रा को किसी भी हालत में ढूंढना चाहता था। दर्द से तड़पते हुए ही अनुराग आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर ज्यादा पुलिस वाले नहीं थे, 3-4 पुलिस वाले ही थे। TI की जो सीट थी वो खाली थी, उसकी कुछ दूरी पर ही एक सीट और टेबल लगा हुआ था। वहां पर चार्ली बैठा हुआ था जो समोसे खाने में लगा हुआ था। अनुराग अपने आसपास देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि वो किसके पास जाए। उसे चार्ली ही सही लगता है और वो उसके पास पहुंच जाता है। जब अनुराग लंगड़ाते हुए चार्ली के पास पहुंचता है तो वो अपना समोसा छोड़कर अनुराग को बड़े गौर से देखने लग जाता है, क्योंकि अनुराग के घुटनों पर अभी भी उसका खून लगा हुआ था। अनुराग के लंबे बाल और लंबी दाढ़ी ने चार्ली का ध्यान अनुराग की तरफ और ज्यादा खींच लिया था। चार्ली एकटक नजर से उसे ही देखने में लग गया था। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ चार्ली से कहता है, सर सर वो मेरी पत्नी। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चार्ली बोल पड़ता है, किससे लड़कर आ रहे हो, ये खून कैसा है तुम्हारे पैर पर। अनुराग बौखलाहट के साथ ही जवाब देता है, वो सर मेरी पत्नी। अनुराग ने अभी इतना कहा ही था कि चार्ली फिर बोल पड़ता है, अच्छा पत्नी से झगड़ कर आए हो तो उसी ने तुम्हारी टांग तोड़ी है और अब तुम उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हो कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ घरेलू हिंसा करी, तुम्हें मारा। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। चार्ली फिर अनुराग की बात सुने बिना उसे बीच में टोकते हुए बोलता है, तुम आजकल के पति समझते क्यों नहीं हो कि हम मर्दों को अपनी पत्नियों से नहीं लड़ना चाहिए। ये जो औरतें होती है ना, अगर सती सावित्री होती है तो चांडाली भी होती है, कब अपने रौद्र अवतार में आ जाती है उन्हें खुद पता नहीं होता है। इसलिए हम पति लोगों को अपनी पत्नियों से संभल कर ही रहना चाहिए, उनकी हाँ में हाँ ना में ना मिलाना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए वरना वही अंजाम होता है जो तुम्हारा हुआ है। अच्छा है तुम्हारी टांग ही तोड़ी, कुछ और तोड़ देती तो दिक्कत हो जाती। अनुराग चार्ली की बातों से परेशान हो गया था क्योंकि चार्ली उसे बोलने का कुछ मौका ही नहीं दे रहा था, कुछ के कुछ बोले जा रहा था। अनुराग गुस्से के साथ कहता है, सर आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी ये हालत मेरी पत्नी ने नहीं की है, मैं गिर गया था तो चोट लग गई। चार्ली झट से बोल पड़ता है, अगर गिरने से चोट लगी है तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो। अनुराग जवाब देता है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, वो लापता है। चार्ली मनी मन कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, काश मेरी पत्नी भी लापता हो जाती, एक झंझट तो कम होती। अनुराग चार्ली को गुस्से से घूरते हुए कहता है, सर यहाँ पर मेरी पत्नी लापता है और आप है कि कुछ के कुछ बोले जा रहे हैं, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। TI सर कहाँ पर हैं? मैं सीधे उनसे ही बात करूंगा। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, TI सर छुट्टी पर गए हैं, जब तक वो नहीं आते तब तक ये थाना मेरे अंडर में है, तुझे जो बात करनी है मुझसे कर समझा, और सबसे जरूरी बात आवाज नीचे करके बात कर, ज्यादा ऊंचा मत बोल यहाँ पर,
ऊंचा सिर्फ हम पुलिस वाले बोलते हैं, समझा? अनुराग खामोश खड़ा रहता है। वो जान गया था कि गुस्से से काम नहीं चलने वाला है। वो आखिर पुलिस स्टेशन में खड़ा था, अपने घर में नहीं। अनुराग नर्म लहजे के साथ कहता है, सॉरी सर, वो मेरी पत्नी लापता है ना, तो परेशान हूँ। आप तो समझ ही सकते हैं, आखिर आप भी शादीशुदा लग रहे हैं, इसलिए गुस्से में आवाज ऊपर हो गई सर। अनुराग का नर्म लहजा सुनकर चार्ली समझ जाता है कि अनुराग बुरा इंसान तो कतई नहीं था। उसका हुलिया भले ही कुछ और बयां कर रहा हो, पर बात करने का लहजा एक सभ्य आदमी होने की ओर इशारा कर रहा था। चार्ली अनुराग को एकटक देखते हुए कहता है, कब लापता हुई तेरी पत्नी? अनुराग मायूसी के साथ कहता है, पता नहीं सर। चार्ली अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, पता नहीं? अनुराग कहता है, वो सर, मैं गांव से बाहर गया था और जब वापस आया तो मेरी पत्नी घर में नहीं थी, घर का सामान भी। चार्ली फिर अनुराग की बात पूरी होने से पहले उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, बस 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 रुक जा, केस सॉल्व हो गया, मुझे पता है किसने तेरी पत्नी को अगवा किया है। अनुराग बौखलाहट के साथ कहता है, किसने सर? चार्ली अनुराग को घूरते हुए कहता है, तूने और किसने? मैंने अपने पूरे करियर में ऐसे बहुत केस देखे हैं जिसमें पति पहले खुद अपनी पत्नी को मारकर कहीं फेंक देते हैं और फिर उसके बाद खुद उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आते हैं ताकि शक उन पर ना जाए। अनुराग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं भला अपनी पत्नी को कुछ क्यों करूंगा। चार्ली अनुराग को घूरते हुए कहता है, क्योंकि तू किसी और से प्यार करता है, तेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है ना। जैसे ही चार्ली ये बात बोलता है, अनुराग घबरा जाता है, जैसे चार्ली ने सच बोल दिया हो। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। जैसे ही चार्ली ये बात बोलता है, अनुराग घबरा जाता है, जैसे चार्ली ने सच बोल दिया हो। चार्ली अनुराग पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोल बोल, किसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा? अनुराग अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहता है, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है मेरा, मैं सच कह रहा हूँ। अनुराग कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, यहाँ पर मैं अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ और आप है कि उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, कैसे पुलिस वाले हैं आप? अनुराग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखकर चार्ली को उस पर विश्वास होने लग जाता है। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं बाहर गया था और जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। चार्ली अनुराग की बात पर गौर करते हुए कहता है, तू बाहर गया था, कहाँ गया था तू? अनुराग कहता है, मेरा एक बेटा है युग, उसको बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए बैंगलोर गया था मैं। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, तू अकेला क्यों गया था, तेरी पत्नी तेरे साथ क्यों नहीं गई थी? आखिर वो भी तो तेरे बेटे की माँ है, उसे भी तेरे बेटे को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए साथ जाना चाहिए था, माँ को तो अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार होता है। अनुराग चार्ली को अपने घर की स्थिति की पूरी सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहता है, वो क्या है ना सर, मेरी पत्नी को काम था, वो पेंटिंग करती है ना, तो उसे कुछ ऑर्डर देने थे, वो भी अर्जेंट, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई। चार्ली कहता है, अच्छा तो तेरी पत्नी चित्रकार है और तू क्या करता है? अनुराग जवाब देता है, मैं लिखता हूँ। चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, लिखता है, पेपर में लिखता है क्या, पत्रकार तो नहीं लगता? अगर तू पत्रकार है तो एक आध मेरा भी इंटरव्यू छापना अपने पेपर में, मैंने भी बहुत बड़े बड़े कारनामे करे हैं, पर मेरे बड़े साहब सारी वाहवाही खुद लूट लेते हैं, मेरा नाम ही नहीं आने देते हैं पेपर में। अनुराग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं पेपर के लिए नहीं लिखता, मैं तो कहानियां लिखता हूँ, मैं एक लेखक हूँ। चार्ली अनुराग को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए कहता है, अच्छा तो तू लेखक है, तुझे देखकर लगा ही था कि तू जरूर कोई कलाकार ही होगा, वैसे क्या लिखा है तूने? अनुराग जवाब देता है, 3 उपन्यास लिखे हैं मैंने और अभी कुछ महीने पहले ही मेरा कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, डर के 10 किस्से। चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा, डर के 10 किस्से? वही जिसमें 10 कहानियां है, जैसे बस स्टॉप, 1250, अबॉर्शन, फ्यूचर स्ट्रेस और नाम याद नहीं आ रहे। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ वही। चार्ली अनुराग की तरफ उंगली करते हुए कहता है, कहीं तुम्हारा नाम अनुराग तो नहीं? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी हाँ, मेरा नाम अनुराग ही है।
जैसे ही चार्ली ये बात अनुराग के मुंह से सुनता है, वो तुरंत अपनी सीट पर से उठता है और अनुराग के पास जाते हुए खुशी के साथ कहता है, अरे लेखक बाबू आप, अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। आपको पता नहीं है मैं आपकी कहानियों का कितना बड़ा दीवाना हूँ। मुझे आपकी कहानियाँ बड़ी पसंद है। मैंने तो जब आपकी वो डर के 10 किस्से कहानियाँ पढ़ी थी ना, तो सच कहता हूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे उस किताब को पढ़ने के बाद। 2-3 दिन तक तबीयत खराब रही मेरी डर से। चार्ली ने पहले से ही अनुराग की किताब पढ़कर रखी हुई थी और जब उसे पता चला कि उसके सामने जो शख्स खड़ा हुआ है वो वही लेखक है जिसकी किताब वो पढ़ चुका है, तो चार्ली का रवैया अनुराग के प्रति पूरी तरह बदल जाता है। वो उससे तू की जगह आप या लेखक बाबू कहकर बात करने लगता है। चार्ली चापलूसी करते हुए कहता है, लेखक बाबू आप जब से खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आपके पैर में भी लगी हुई है, दर्द हो रहा होगा आपको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अनुराग चार्ली को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। चार्ली अनुराग को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठने पर मजबूर कर देता है और अनुराग को बैठना पड़ता है। चार्ली टेबल पर ही रखा हुआ समोसा अनुराग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लीजिए समोसा लीजिए ना, गर्मा गर्म है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मंगाया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहीं हमारे शहर में रहते हैं। चार्ली फिर अनुराग को बोलने का मौका नहीं देता है और अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, वो क्या है ना, किताब के पीछे आपकी तस्वीर नहीं थी इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। एक बात बताइए, आपकी किताब के पीछे आपकी तस्वीर क्यों नहीं है, इसका कोई मुख्य कारण है क्या? अनुराग चुप खड़ा रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। चार्ली अनुराग पर दबाव बनाते हुए कहता है, बताइए ना लेखक बाबू आप चुप क्यों हैं? आप एक लेखक हैं, ऐसे चुप अच्छे नहीं लगते हैं। लेखकों को तो अपने पाठकों के सवालों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अनुराग ना चाहते हुए भी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं किताब के पीछे अपनी तस्वीर छपवा कर क्या करूंगा, मुझे खुद को मशहूर नहीं करना है, अपनी कहानियों को करना है चार्ली जी, और लेखक गुमनामी में रहे वही उसके लिए ठीक होता है। चार्ली खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने लेखक बाबू, आपको पता है आपकी कहानियां ना आजकल बहुत पढ़ी जा रही हैं। क्या तो लिखते हैं आप, मैं तो आपकी कलम का दीवाना हूँ। चार्ली अपने द्वारा अनुराग के साथ किए गए बर्ताव की माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था आप कौन है, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप तो ये बताइए अगली कहानी कौन सी लिख रहे हैं आप? अनुराग चार्ली की बातों से परेशान होते हुए कहता है, चार्ली जी आप प्लीज ये सब छोड़कर जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो करेंगे, ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, सॉरी लेखक बाबू, मैं तो भूल ही गया था कि आप यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आए थे। वो क्या है ना, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा फैन मूवमेंट है, आप समझ सकते हैं, बताइए क्या परेशानी है आपको। अनुराग चार्ली को एक ही बार में सब कुछ बता देता है कि उसके साथ बैंगलोर से लौटने के बाद क्या क्या हुआ था। चार्ली अनुराग की सारी बातें बड़े गौर से सुनने के बाद कहता है, तो जब आप घर पर वापस लौटे तो सारा सामान बिखरा हुआ था? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हर कमरे का सामान बिखरा हुआ था जैसे किसी चीज की तलाशी ली गई हो। चार्ली झट पलट कर पूछता है, कुछ चोरी हुआ आपके घर से? अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं चोरी तो नहीं हुआ, घर में ऐसा कोई कीमती सामान नहीं था जो चोरी हो। चार्ली परेशान होते हुए कहता है, ये तो बड़ी अजीब बात है कि घर में चोर घुसा, घर का सारा सामान उलट पुलट किया, पर कुछ चुराया नहीं, उल्टा भाभी गायब है, लगता है चोर भाभी को ही चुरा कर ले गया। अनुराग चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, माफ कीजिएगा लेखक बाबू, मैं ना बड़ा बलबोला इंसान हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। अनुराग चुप खड़ा रहता है। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, ये बहुत अजीब बात है, अगर चोर का मकसद चोरी करना होता तो वो कुछ भी चुरा सकता था, आखिर उसे तो चोरी करने से मतलब था ना, पर उसने कुछ नहीं चुराया, उल्टा भाभी गायब है। अभी तक आपको कोई फोन कॉल आया क्या फिरौती के लिए? अनुराग मायूसी के साथ कहता है, नहीं कॉल तो किसी का नहीं आया। चार्ली चुप खड़ा रहता है, अनुराग को एकटक देखते रहता है। अनुराग को देखकर चार्ली के मन में बहुत देर से कुछ चल रहा था, उससे रहा नहीं जाता और वो अनुराग से बोल पड़ता है, लेखक बाबू एक बात पूछूं आपसे? अनुराग कहता है, हाँ पूछिए चार्ली जी, क्या पूछना है आपको? चार्ली हिचकिचाहट के साथ कहता है, देखिए बुरा मत मानना, पर मेरा ना सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं केस की तह तक जा पाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, आपके चित्रा भाभी के साथ संबंध कैसे थे? अनुराग हैरानी के साथ पूछता है, संबंध कैसे थे मतलब? चार्ली अनुराग को समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है कि आपके और भाभी के बीच झगड़े तो नहीं होते थे ना, वो खुश तो थी ना आपसे? अनुराग तंज कसते हुए जवाब देता है, झगड़े किस घर में नहीं होते चार्ली जी, झगड़े तो आपके घर में भी होते होंगे आपकी पत्नी से।
चार्ली झट से पलट कर कहता है, झगड़े होते हैं पर मैं उसे मना भी लेता हूँ अपना वक्त देकर, पर आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप भाभी को वक्त ही नहीं देते होंगे। आपको देखकर तो लगता है आपके पास बाल कटाने का भी वक्त नहीं है, दिन भर अपनी कहानी में घुसे रहते होंगे आप। मैंने सही कहा ना? अनुराग खामोश खड़ा रहता है। अनुराग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे उसका जवाब मिल गया था। चार्ली फिर बोल पड़ता है, लेखक बाबू आप ना पत्नियों को जानते नहीं हो, पर मैं इन्हें अच्छे से जानता समझता हूँ। पत्नियों को वक्त देना, बात बात पर इनकी तारीफ करना बड़ा जरूरी है, वरना इन्हें लगता है कि इनके पति इनसे प्यार ही नहीं करते और ये किसी ऐसे को ढूंढने लग जाती हैं जो इन्हें वक्त दे, इनकी तारीफ करे। अनुराग चार्ली को घूरते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे कहेंगे? चार्ली अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए अनुराग को एकटक देखते हुए कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ लेखक बाबू कि चित्रा भाभी आपसे खुश तो थी ना, उनका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा था। जैसे ही चार्ली ये बात बोलता है, अनुराग के दिमाग में सीधे प्रशांत का ख्याल आता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है, खामोश अनजान बने हुए खड़े रहता है। चार्ली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, आजकल ना यही होता है, पति अपने काम में उलझा रहता है और पत्नी कहीं और उलझी रहती है। मुझे तो लग रहा है भाभी ने घर की वो हालत करी होगी ताकि जाने से पहले कुछ हाथ लग जाए अपने आशिक के। चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले अनुराग उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, ये आप क्या बोल रहे हैं चार्ली जी, जरा सोच समझ कर बोलिए, चित्रा मेरी पत्नी है और वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। चार्ली पलट कर कहता है, लेखक बाबू आप न बहुत सीधे इंसान लगते हैं मुझे, शायद आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, पर अक्सर मैंने ऐसे केसेस में यही होते हुए देखा है कि चोर कुछ चुरा के नहीं भागता बल्कि मालकिन ही चोर के साथ भाग जाती है घर का सामान लेकर। अनुराग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, बस चार्ली जी आप न मेरी पत्नी पर आरोप मत लगाइए, चोर को पकड़िए जिसने मेरी पत्नी को अगवा किया है। चार्ली कहता है, हाँ लेखक बाबू पकड़ते हैं, हर चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है, आपके घर भी छूटे होंगे, उन सुरागों से हम उस तक पहुंच जाएंगे। अनुराग खामोश खड़ा रहता है। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, बताइए रहते कहाँ पर हैं आप, अभी चलते हैं हम आपके साथ आपके घर सुराग ढूंढने। अनुराग जवाब देता है, काला झाड़ी जंगल के पास जो ग्रेवयार्ड कोठी है ना वहां पर। चार्ली डर के साथ हकलाते हुए कहता है, क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी ग्रेवयार्ड कोठी, आप इतना डर क्यों गए ग्रेवयार्ड कोठी का नाम सुनकर? चार्ली जवाब देता है, अब डर वाली जगह का नाम लेंगे आप तो मैं डरूंगा ही ना लेखक बाबू, सच बताइए आप सच में ग्रेवयार्ड कोठी में रहते हैं क्या? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी मैं वहीं रहता हूँ। चार्ली डर के साथ कहता है, आप जानते हैं ना वहाँ पर यक्षिणी? अनुराग चार्ली को बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी मुझे सब पता है ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में, आपने ये सब छोड़िए और मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी चलिए ताकि आप चोरी की तहकीकात कर सके। चार्ली ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं चलने वाला आपके साथ, मुझे मरना थोड़ी है, आप जानते हैं ना आज रात पूर्णिमा है और वो यक्षिणी फिर किसी को अपना शिकार बनाएगी। अनुराग झट से कहता है, आपको कुछ नहीं होगा चार्ली जी, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, आप तो मेरे साथ चलिए। चार्ली कहता है, लेखक बाबू आप होश में तो हो ना, आप कैसे मेरी जान की गारंटी ले सकते हैं, क्या आप उस यक्षिणी को जानते हैं? अनुराग के मन में तो आता है कि वो हाँ बोल दे, पर वो जानता था कि कुछ भी बोलना बेवकूफी होगी इसलिए वो चुप खड़ा रहता है। चार्ली बोल पड़ता है, मुझे मेरी जान बहुत ज्यादा प्यारी है, मैं तो नहीं चलने वाला आपके साथ इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी। यादव वहीं पर बैठा हुआ था। चार्ली हाथ से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, यादव तुम चले जाओ लेखक बाबू के साथ। यादव ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला, मुझे भी मेरी जान बहुत प्यारी है। चार्ली अनुराग से कहता है, देखा आपने लेखक बाबू, यहाँ पर कोई भी इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए तैयार नहीं है, सबकी पैंट ग्रेवयार्ड कोठी का नाम सुनकर गीली हो जाती है। अनुराग मायूसी के साथ कहता है, पर अगर आप में से कोई मेरे साथ नहीं चलेगा तो फिर तहकीकात कैसे होगी चार्ली जी? चार्ली झट से जवाब देता है, उसकी चिंता आप मत कीजिए लेखक बाबू, हम सब कल सुबह आते हैं ना उसके लिए, आप बस घर जाकर किसी सामान को हाथ मत लगाइएगा, जो सामान जहाँ पर रखा है वहीं पर रखा रहने दीजिएगा, समझे? अनुराग खामोश खड़ा रहता है, उसके कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चार्ली फिर बोल पड़ता है, और रही चित्रा भाभी को ढूंढने की बात, तो उन्हें तो हम अभी से ढूंढना शुरू कर देते हैं, आप बस उनकी एक तस्वीर दे दीजिए। अनुराग जानता था कि चार्ली की बात मानने के अलावा उसके पास अभी कोई चारा नहीं है, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। अनुराग घर में चोरी और चित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर मायूसी के साथ पुलिस स्टेशन से वापस चले जाता है। रात के 8 बज गए थे।
और अनुराग कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से निकला था। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और इस हालात में नहीं था कि पैदल पैदल सफर तय कर सके। उसके पैर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए उसने बस से बंगलामुड़ा गांव जाने का फैसला किया था। बंगलामुड़ा गांव जाने के लिए अनुराग को बस पकड़नी थी और वही पकड़ने के लिए वो मेहंदी पथार बस स्टॉप पर आया था। अनुराग अभी मेहंदी पथार बस स्टॉप पहुंचा ही था कि तभी वो देखता है कि वहीं पर प्रशांत की पत्नी पाउली और उसके साथ बिंदु खड़ी हुई थी। पाउली की आंखों में आंसू थे और वो बहुत डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। अनुराग पाउली को देखते हुए खुद से कहता है, ये तो पाउली है, ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये रो क्यों रही है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग पाउली को देखते हुए खुद से कहता है, ये तो पाउली है, ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये रो क्यों रही है? अनुराग को पाउली को इस वक्त बस स्टॉप पर खड़े होकर रोते हुए देख बहुत अजीब लगता है। वो समझ जाता है कि कुछ तो बड़ी बात है जिस कारण पाउली बस स्टॉप पर खड़े होकर बिंदु को अपने साथ लिए ऐसे रो रही थी। अनुराग तुरंत पाउली के पास पहुंच जाता है। अनुराग हमदर्दी भरे लहजे में पाउली से पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रही है पाउली जी? अनुराग को देखकर पाउली और ज्यादा रोने लगती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, आप रो क्यों रही हैं? पाउली रोते हुए अनुराग से कहती है, आपने प्रशांत को देखा क्या कहीं अनुराग जी? अनुराग पाउली के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही पाउली अपना दुखड़ा अनुराग के सामने रोते हुए बोल पड़ती है, प्रशांत का कुछ अता पता नहीं चल रहा, वो अपने फूफा जी के घर गया था उनकी तबीयत का हाल चाल पूछने, पर अभी तक वो वापस लौट कर नहीं आया, बल्कि वो तो आज सुबह ही वापस आने वाला था। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, प्रशांत अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है? पावली रोते हुए कहती है, हाँ नहीं आया अनुराग जी, मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है, ऐसे ऐसे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। पावली को रोते हुए देख बिंदु भी रोना शुरू कर देती है। अनुराग पावली को समझाते हुए कहता है, आप रोइए मत, देखिए रोने से कुछ नहीं होने वाला, देखिए आप रो रही हैं तो बिंदु भी रो रही है, वो तो छोटी बच्ची है, जरा उसके बारे में तो सोचिए। अनुराग की ये बात कहने पर पाउली बिंदु के रोते हुए मासूम चेहरे की तरफ देखती है और बिंदु के आंसू पोंछते हुए कहती है, रो मत बिंदु बेटा, रो मत, पापा आ जाएंगे, पापा कहीं नहीं गए हैं, वो आते ही होंगे। अनुराग पाउली से पूछता है, आपने प्रशांत को कॉल करके देखा था क्या? पाउली हड़बड़ाहट के साथ पलट कर कहती है, हाँ किया था अनुराग जी, पर प्रशांत का कॉल ही नहीं लग रहा है, मोबाइल बंद बता रहा है, मैंने तो फूफा जी के घर पर भी कॉल किया था पर उनका कहना तो ये है कि प्रशांत वहाँ पर आया ही नहीं। ये बात सुनकर अनुराग और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अनुराग अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा आपने, प्रशांत अपने फूफा जी के घर पर गया ही नहीं, अगर वो वहाँ पर नहीं गया तो फिर कहाँ पर गया होगा? पाउली रोते हुए कहती है, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा अनुराग जी कि प्रशांत कहाँ पर चला गया, हमारे बीच तो कुछ कहा सुनी भी नहीं हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, बल्कि वो तो बहुत खुशी खुशी घर से निकले थे और कहा था कि पूर्णिमा की सुबह सुबह आ जाऊंगा, मैंने उनकी लंबी उम्र के लिए घर पर पूजा जो रखवाई थी पर अभी तक वो आए ही नहीं। अनुराग खामोश खड़ा रहता है, खामोशी के साथ ही चुपचाप पाउली की सारी बातें सुनता रहता है। पाउली रोते हुए कहती है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ऊपर से आज पूर्णिमा भी है, मेरा तो जी इतना घबरा रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। अनुराग पाउली को सहानुभूति देते हुए कहता है, देखिए पाउली जी आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात मानिए तो आपको बिंदु को लेकर घर चले जाना चाहिए, इस वक्त आपका यहाँ पर रहना ठीक नहीं, रात भी हो रही है। पाउली ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली जब तक मुझे मेरा प्रशांत नहीं मिल जाता, प्रशांत किसी न किसी बस से आता ही होगा, उसने कहा था कि वो आज वापस आ जाएगा, अगर उसने कहा है कि वो आएगा तो वो जरूर वापस आएगा, वो अपने वादे कभी नहीं तोड़ता है। अनुराग पाउली को फिर समझाने की कोशिश करता है पर पाउली उसकी बात मानती नहीं है, वो है कि अपनी जिद पर अड़ी रहती है, उसे उम्मीद थी कि प्रशांत रात तक किसी न किसी बस से वापस आ जाएगा। अनुराग के लाख समझाने पर भी पाउली नहीं मानती है, वो प्रशांत को लेकर पहले से परेशान थी और अनुराग पाउली को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पाउली को नहीं बताता है कि चित्रा को किसी ने अगवा कर लिया था, उसके घर पर चोरी हुई थी।
अनुराग पावली को उसके हाल में छोड़ देता है, पर पावली को देखने के बाद अनुराग के अंदर भी चित्रा को ढूंढने की उम्मीद जाग जाती है। अनुराग चित्रा की तस्वीर निकालता है और वो लोगों को दिखाते हुए उनसे चित्रा के बारे में पूछने लग जाता है। अनुराग एक बैग पकड़े हुए आदमी को चित्रा की फोटो दिखाते हुए उससे पूछता है, भाई साहब जरा सुनिए, आपने इसे कहीं देखा है क्या? वो आदमी मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं देखा है भाई साहब। अनुराग को रास्ते में जो मिल रहा था वो सबको चित्रा की फोटो दिखाते हुए यही सवाल बार बार पूछे जा रहा था, पर उसे चित्रा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अनुराग आने जाने वाले मुसाफिरों को चित्रा की फोटो दिखाते हुए उनसे चित्रा के बारे में पूछ ही रहा था कि तभी उससे रतनपाली टकरा जाता है। अनुराग भले ही रतनपाली को नहीं जानता था, पर रतनपाली अनुराग को बहुत अच्छे से जानता था। आखिर अनुराग यक्षिणी पर कहानी जो लिख रहा था। रतनपाली ये बात भी काफी अच्छे से जानता था कि अनुराग दिलीप का छोटा भाई था और दोनों की ही आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी। यही कारण था कि अनुराग को हवेली छोड़कर ग्रेवयार्ड कोठी में रहना पड़ रहा था। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ चित्रा की फोटो रतनपाली को दिखाते हुए उससे पूछता है, भाई साहब आपने इसे कहीं देखा है क्या? रतनपाली कुछ जवाब नहीं देता है, एक टक नजर से अनुराग को देखते रहता है। अनुराग फिर रतनपाली से पूछता है, अरे भाई साहब सुनिए ना, आपने इसे कहीं देखा है क्या? रतनपाली अनुराग को घूरते हुए कहता है, तुम अनुराग हो ना? अनुराग कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिलाते हुए रतनपाली को घूरने लग जाता है। रतनपाली अपने हाथ से अनुराग ने अपने हाथ में चित्रा की जो तस्वीर पकड़ी हुई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, और ये तुम्हारी पत्नी है चित्रा। रतनपाली की ये बात सुनकर अनुराग के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे रतनपाली ने चित्रा को कहीं देखा हो। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ आपने सही कहा, ये मेरी पत्नी है चित्रा, आपने इसे कहीं देखा है क्या? रतनपाली ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैंने तो इन्हें कहीं नहीं देखा है। रतनपाली का जवाब सुनकर अनुराग फिर मायूस हो जाता है। वो आगे बढ़ने लग जाता है कि तभी उसी वक्त रतनपाली उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अरे सुनो तो अनुराग, हुआ क्या है, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों ढूंढ रहे हो? ये किसी के साथ भाग गई है क्या? अनुराग बौखलाहट के साथ रतनपाली पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरी पत्नी किसी के साथ भागी नहीं है, बस लापता है, उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। आप सब समाज वाले ना कुछ के कुछ सोचते रहते हैं। इतना कहकर अनुराग गुस्से से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग के जाते ही रतनपाली खुद से बड़बड़ाता है, हम समाज के लोग जो सोचते हैं ना अक्सर वही सच हो जाता है। रतनपाली अनुराग को देखते हुए कहता है, अनुराग तेरी बेचैनी बता रही है कि बात कुछ और ही है? जिस तरह तू पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है इससे ये बात साफ इस तरफ इशारा कर रही है कि तेरी पत्नी लापता नहीं है बल्कि किसी के साथ भाग गई है। वैसे भी जो आदमी एक पैसा कमाता धमाता ना हो, दिन भर घर में बैठा रहता हो, उसकी पत्नी तो उसे छोड़कर भागेगी ना। रतनपाली अपना षड्यंत्र वाला दिमाग चलाते हुए कहता है, ये तो बहुत जोरदार खबर है कि दिलीप के छोटे भाई की पत्नी किसी के साथ भाग गई है। दिलीप की बेइज्जती कराने की अच्छी खबर हाथ लगी है, उसे बड़ा घमंड है ना अपने आप पर। पर कल सुबह तक उसका सारा घमंड टूट जाएगा। अभी जाकर पूरे गांव में ये बात फैला देता हूँ कि लेखक बाबू की पत्नी चित्रा किसी के साथ भाग गई है। अब कल सुबह बहुत मजा आने वाला है, जब दिलीप के घर वालों की बेइज्जती होगी वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इतना कहकर रतनपाली वहां से जाने लग जाता है। अनुराग वहां पर नजर आते लोगों को चित्रा की तस्वीर दिखाते हुए उनसे चित्रा के बारे में पूछते रहता है, पर उसे चित्रा के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। किसी ने भी चित्रा को देखा तक नहीं था। बहुत पूछताछ करने के बावजूद भी जब अनुराग को चित्रा के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो अनुराग मायूस हो जाता है। उसके दिल की चित्रा के मिलने की उम्मीद टूट जाती है और वो थक हार कर वापस से बंगला मुड़ा गांव जाने वाली बस में जाकर बैठ जाता है। अनुराग काफी हताश और मायूस था। वो एक मायूसी के साथ खिड़की के पास बैठा हुआ था और पीछे छूटती हुई सड़कों के साथ अपने सारे गम पीछे छोड़ना चाहता था। पर न रास्ते खत्म होते हैं न जिंदगी के गम, ये दोनों ही जीवन के अंत तक हमारे साथ रहते हैं। अनुराग खिड़की के पास बैठकर एकटक नजर से बाहर झांक रहा था। वो चित्रा के बारे में ही सोच रहा था कि वो कहां गई होगी, किस हाल में होगी, ठीक भी होगी या नहीं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। ऐसे ही अनगिनत सवाल अनुराग के मन में चल रहे थे जो उसे बेचैन कर रहे थे। सिर्फ चित्रा के ही गायब होने से अनुराग का मन बेचैन नहीं था, बल्कि प्रशांत के गायब होने से भी उसका मन बेचैन हो गया था। उसे पहले से ही उन दोनों पर शक था और अब वो शक गहरा होते जा रहा था। पर उसका मन बार बार गवाही दे रहा था कि चित्रा ऐसा नहीं कर सकती थी, वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर चित्रा को उसे छोड़कर जाना ही होता तो बहुत पहले जा चुकी होती।
चित्रा और प्रशांत का एक साथ इस तरह गायब होना अनुराग को बहुत अजीब लग रहा था। रह रहकर उसके दिमाग में उन दोनों का ही ख्याल आ रहा था। अनुराग चित्रा और प्रशांत के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे पाउली का पहला सवाल याद आता है कि अनुराग जी, आपने प्रशांत को कहीं देखा है क्या? अनुराग मन में सोचते हुए कहता है, अरे उस दिन जब मैं युग को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था तो कालाझाड़ी जंगल में मेरी हुई तो थी प्रशांत से मुलाकात, और उसने मुझे बताया भी था कि वो उसके फूफा जी के गांव जाने के लिए निकला है, पर उसे दिलीप भैया का फोन आ गया था इसलिए पहले उनके पास जा रहा था। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है दिलीप भैया को प्रशांत के बारे में कुछ पता हो, मैं उन्हें फोन करके देखता हूँ। अगले पल अनुराग मायूसी के साथ कहता है, पर मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है, अगर नंबर होता भी तो मुझे नहीं लगता दिलीप भैया मुझसे बात भी करना पसंद करते। मैं क्या करूं, कैसे पता करूं कि उस दिन दिलीप भैया से मिलने के बाद प्रशांत कहां गया होगा? अनुराग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो झट से बोल पड़ता है, एक काम करता हूँ, विराट को फोन करके देखता हूँ, उसे शायद कुछ पता हो। अनुराग अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और बस में बैठे बैठे ही विराट को फोन करने लग जाता है। रिंग जाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। पहली बार में विराट अनुराग का फोन उठाता नहीं है। अनुराग फिर फोन करता है, दूसरे साइड से कोई अनुराग का फोन उठा लेता है। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हेलो विराट, सुनो मैं अनुराग बोल रहा हूँ, तुम्हारा चाचा। विराट की नाराजगी से भरी आवाज सुनाई देती है, हाँ कहिए, आपने तो हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे ना, फिर क्यों फोन किया आपने? विराट की बातों से साफ समझ आ रहा था कि विराट अभी भी उस दिन के लिए अनुराग से अभी तक नाराज था। अनुराग विराट को समझाते हुए कहता है, विराट बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा पुरानी बातों को भूल जाओ। फिर अनुराग सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहता है, तुम तो मुझे ये बताओ, दो तीन दिन पहले प्रशांत आया था क्या हवेली दिलीप भैया से मिलने के लिए? विराट की आवाज सुनाई देती है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अनुराग अपनी ही बात लगाते हुए कहता है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा विराट बेटा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, प्रशांत हवेली आया था क्या? विराट कुछ याद करते हुए कहता है, नहीं चाचा, प्रशांत अंकल तो नहीं आए थे यहाँ पर दो तीन दिन पहले, वो भला यहाँ पर क्यों आएंगे? अनुराग फिर कहता है, पक्का नहीं आए थे? विराट का जवाब आता है, हाँ पक्का, मैं 4-5 दिनों से यहीं पर हूँ, वो यहाँ पर नहीं आए थे, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अनुराग बात को छुपाते हुए कहता है, बस ऐसे ही बेटा, मैंने तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। इतना कहकर अनुराग फोन कट कर देता है। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब उस दिन प्रशांत ने मुझसे झूठ बोला था, वो कालाझाड़ी जंगल से होते हुए दिलीप भैया के पास नहीं बल्कि कहीं और जा रहा था, पर प्रशांत ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? अगले ही पल अनुराग के दिमाग में चार्ली और रतनपाली की बातें घूमने लग जाती हैं कि कहीं तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग तो नहीं गई, कहीं तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग तो नहीं गई। अनुराग के दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी। अनुराग कुछ सोचते हुए खुद से गुस्से के साथ कहता है, प्रशांत भी गायब है और चित्रा भी, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ली सही कह रहा था, घर में चोरी नहीं हुई है, बस चोरी होने का नाटक रचा गया है, चित्रा किसी के साथ भाग गई है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रशांत है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग कुछ सोचते हुए खुद से गुस्से के साथ कहता है, प्रशांत भी गायब है और चित्रा भी, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ली सही कह रहा था, घर में चोरी नहीं हुई है, बस चोरी होने का नाटक रचा गया है, चित्रा किसी के साथ भाग गई है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रशांत है। चित्रा और प्रशांत के बारे में ये बात सोचते ही अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि चित्रा ऐसा कुछ कर सकती है, उसे छोड़कर जाने का इतना बड़ा फैसला ले सकती है। अनुराग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं चित्रा ऐसा नहीं कर सकती, उसे जाना ही होता तो बहुत पहले मुझे छोड़कर जा चुकी होती, चित्रा का लापता होना और प्रशांत का उसके फूफा जी के यहाँ नहीं जाना ये सब बस एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, चित्रा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, माना वो अब मुझसे प्यार नहीं करती पर युग से तो करती है ना, वो माँ है उसकी, वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अनुराग अपने मन को तसल्ली देने लग जाता है कि चित्रा उसे छोड़कर नहीं जा सकती, पर कहीं ना कहीं उसके मन में भी बार बार यही ख्याल आ रहा था कि चित्रा प्रशांत के साथ भाग चुकी थी।
आखिर उसने भी उन दोनों को कई बार साथ में देखा था। पर अनुराग पूरी तरह इस बात पर श्योर भी नहीं था। घर के बिखरे हुए सामान के बारे में सोचकर उसे ये भी लग रहा था कि चित्रा को किसी ने अगवा किया होगा, वो किसी मुसीबत में होगी। अनुराग खिड़की के पास बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी बस कंडक्टर की आवाज सुनाई देती है, बंगला मुड़ा, बंगला मुड़ा, बंगला मुड़ा। इसी के साथ बस रुक जाती है। लोगों को बस से नीचे उतरते हुए देख अनुराग अपने ख्यालों में से बाहर आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि उसका स्टॉप आ चुका था। अनुराग बस से नीचे उतर जाता है और मायूसी के साथ अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ कदम बढ़ाते हुए भी अनुराग चित्रा और प्रशांत के बारे में ही सोच रहा था। उन दोनों को लेकर अनाप शनाप ख्याल उसके मन में बार बार आते जा रहे थे, पर वो था कि सब चीजों को नकार रहा था। वो बिना किसी सबूत के चित्रा पर कोई कलंक नहीं लगाना चाहता था। आखिर एक वक्त था जब वो उससे प्यार करता था और अपने प्यार पर कभी भी कोई कलंक लगते हुए नहीं देख सकता है। प्रशांत और चित्रा के बारे में सोचते हुए ही अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता है। जब अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ रहता है, एक ऐसा सन्नाटा जो उसे अंदर ही अंदर कहीं मार रहा था। आज कई दिनों बाद अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला था। इसके अलावा ग्रेवयार्ड कोठी में कोई नहीं था। इससे पहले भी वो कई बार ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले रह चुका था, पर आज एक अजीब सी खामोशी ग्रेवयार्ड कोठी में छाई हुई थी, वो खामोशी जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसका दम घोट रही थी। अनुराग को आदत लग चुकी थी ग्रेवयार्ड कोठी में योग और चित्रा के साथ रहने की, और कहते हैं ना, हमें किसी भी चीज की आदत नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आदत बुरी चीज होती है, एक बार लग जाए तो छुटाए नहीं छूटती है। अनुराग को ग्रेवयार्ड कोठी में चित्रा और युग की कमी खलने लग जाती है। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि चित्रा और युग उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में ही थे। जिस जिस जगह पर उसकी नजर पड़ रही थी उसे चित्रा और युग के साथ बिताए हुए पल याद आते जा रहे थे। अनुराग मायूसी के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम कहाँ हो चित्रा, कहाँ हो, ठीक भी हो या नहीं? चित्रा की फिक्र करते हुए ही अनुराग अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आगे बढ़ाते जा रहा था। कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अनुराग चित्रा की याद करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पर चित्रा सोया करती थी, वो कमरा जहां पर कुछ रातें उसने और चित्रा ने भी साथ में बिताई थी। अनुराग चित्रा को याद करते हुए कहता है, तुमने सही कहा था चित्रा, एक दिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, और देखो वो दिन आ गया जब मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत याद। हमें हमारी जिंदगी में किसी इंसान की अहमियत का अंदाजा तब नहीं होता है जब वो हमारे साथ होता है, बल्कि तब होता है जब हम उसे खो देते हैं, वो हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका होता है। और आज अनुराग को भी अपनी जिंदगी में चित्रा की अहमियत का अंदाजा हो गया था। चित्रा के कमरे में घूमते हुए अनुराग चित्रा की सलामती की फिक्र कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर चित्रा के कमरे के बेड पर पड़ती है जिसकी बेडशीट सिमटी हुई थी। वो नोटिस करता है कि बाकी के जो कमरे की बेडशीट थी वो बिस्तर पर से हटी हुई थी, फर्श पर बिखरी हुई थी, बस यही एक कमरा था जिसकी बेडशीट उसके बेड पर सिमटी हुई थी, जैसे वहां पर पहले कोई सोया हो। अनुराग बेडशीट को नोटिस कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर बेड के सिरहाने में जो तकिया रखा हुआ था उस पर पड़ती है। वो देखता है कि तकियों के बगल में ही वहां पर दो मोबाइल रखे हुए थे। अनुराग उन मोबाइल को गौर से देखते हुए कहता है, ये मोबाइल किसके हैं? अनुराग दोनों मोबाइल को अपने हाथ में उठा लेता है और देखता है कि दोनों मोबाइल स्विच ऑफ पड़े हुए थे, कोई भी मोबाइल चालू नहीं था। अनुराग एक मोबाइल को पहचानते हुए कहता है, ये मोबाइल तो चित्रा का है, पर ये दूसरा मोबाइल ये किसका है? अनुराग दूसरे मोबाइल को गौर से देखते हुए उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, ये मोबाइल तो प्रशांत का है। अनुराग पूरी तरह श्योर होते हुए कहता है, हाँ ये मोबाइल प्रशांत का ही है, उस दिन मैंने उसके हाथ में यही मोबाइल देखा था, पर ये प्रशांत का मोबाइल यहाँ चित्रा के बेडरूम में क्या कर रहा है? अनुराग सोचने लग जाता है और सोचते ही सोचते उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाता है। अनुराग हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाता है, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, चित्रा प्रशांत के साथ भाग गई है, उसका कोई अपहरण नहीं हुआ, ना ही घर में कोई चोरी हुई है, ये सब उन दोनों की सोची समझी साजिश है। पहले अनुराग को चित्रा का यूं लापता होना और प्रशांत का घर वापस नहीं आना बस एक इत्तेफाक लग रहा था, पर उन दोनों के मोबाइल मिलने के बाद अनुराग पूरी तरह श्योर हो गया था कि चित्रा प्रशांत के साथ भाग गई थी। देखते ही देखते अनुराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुराग गुस्से के साथ कहता है,
तुमने ऐसा क्यों किया चित्रा, क्यों? अगर तुम्हें जाना ही था तो कम से कम एक बार बता कर जाती। मैंने तुम्हें थोड़ी रोका था, मैंने तो कितनी बार तुम्हें बोला था कि अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है तो जा सकती हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, फिर तुम्हें ऐसा नाटक रचने की क्या जरूरत थी? अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अब मेरी समझ में सब आ रहा है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा एक अच्छा खासा बनाया हुआ प्लान था। तुमने मुझे युग को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए भेजा पर खुद नहीं आई, मुझे बहाना दे दिया ताकि तुम्हें और प्रशांत को यहाँ पर बुलाने का मौका मिल जाए और तुम बड़े आराम से उसके साथ भाग सको। घर का सारा सामान उलट पुलट कर दिया ताकि मुझे ये लगे कि घर में चोरी हुई है और तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया है, पर गलती से तुम्हारे और प्रशांत के मोबाइल यहीं पर छूट गए और तुम दोनों का सारा प्लान मुझे समझ आ गया। चित्रा के बारे में सोचते हुए ही अनुराग को युग की याद आ जाती है और वो युग के बारे में सोचते हुए कहता है, चित्रा तुमने जाने से पहले एक बार भी युग के बारे में नहीं सोचा कि उस छोटे से बच्चे पर क्या बीतेगी। तुम जिंदगी भर मुझे मतलबी बोलती रही, पर मतलबी मैं नहीं हूं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो और आज भी तुमने अपने बारे में ही सोचा। अनुराग अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहता है, सही कहा था उस आदमी ने कि जो मर्द कमाता धमाता नहीं है दिन भर अपने घर में बैठा रहता है, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, भाग जाती है किसी मर्द के साथ, और देखो चित्रा आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, भाग गई उस प्रशांत के साथ। अनुराग इस बात से उतना दुखी नहीं था कि चित्रा उसे छोड़कर चली गई थी, वो ज्यादा दुखी तो इस बात से था कि चित्रा ने उसे धोखा दिया था, उसकी बदनामी करके वो प्रशांत के साथ भाग गई थी। कहीं ना कहीं अनुराग भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसका प्यार भी चित्रा के प्रति कम हो गया था और वो यक्षिणी से प्यार करता था। अगर वो यक्षिणी से प्यार कर सकता था तो फिर चित्रा प्रशांत से क्यों नहीं? अनुराग दुखी था तो इस बात से कि चित्रा ने एक बार भी जाने से पहले युग के बारे में नहीं सोचा था। अनुराग भले ही यक्षिणी से प्यार करता था पर युग के लिए अनुराग ने वापस से चित्रा को अपना लिया था, पर चित्रा प्रशांत के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चली गई थी। अनुराग गुस्से के साथ खुद से कहता है, तुम्हें उस प्रशांत के साथ अपनी सारी जिंदगी बितानी है ना, तो तुम बिता सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, नहीं ढूंढूंगा तुम्हें, तुम अब अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी उसके साथ बिता सकती हो। रही युग की बात तो मैं अकेला भी उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूं, आखिर बाप हूं मैं उसका। अनुराग अपने आप पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं तो पागल ही था जो तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया था, मुझे क्या पता था कि तुम अपने आशिक के साथ फरार हो चुकी हो। अनुराग उस कमरे में लगी चित्रा की तस्वीर को वहां से उतारते हुए कहता है, चित्रा अब तुम गई हो तो फिर कभी वापस मत आना, मैं जिंदगी में फिर कभी तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मुझे छोड़कर नहीं गई हो बल्कि अपने बेटे को भी छोड़कर चली गई हो, जाते जाते तुम सारे रिश्ते तोड़कर जा चुकी हो और आज से मैं भी तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। आज के बाद तुम्हारा न मेरे साथ कोई रिश्ता है न मेरे बेटे के साथ। अनुराग गुस्से के साथ उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अनुराग गुस्से के साथ भले ही उस कमरे से बाहर निकला हो पर जैसे जैसे वो अपने कदम रूम नंबर 666 की तरफ बढ़ाते जा रहा था उसका गुस्सा शांत होते जा रहा था। वो समझ गया था कि गुस्सा करने से अब कुछ नहीं होने वाला था, चित्रा को उसे छोड़ना था और वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। जब अनुराग अपने कमरे में पहुंचता है और किताबों को फैला हुआ देखता है तो और ज्यादा मायूस हो जाता है। अनुराग अपने कमरे के अंदर कदम रखते हुए बड़बड़ाता है, तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना चित्रा, मेरी किताबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम्हें मेरी किताबों का ऐसा हाल करने की क्या जरूरत थी? ये तुमने ठीक नहीं किया चित्रा, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अनुराग कमरे के अंदर टेबल के पास जो चेयर लगी हुई थी उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। अनुराग देखता है कि बस उसका एक टाइपराइटर ही था जो सही सलामत अपनी जगह पर रखा हुआ था, जिसके साथ चित्रा ने जाते जाते कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। जब अनुराग चेयर के ऊपर बैठता है तो एकदम खामोश हो जाता है, उसे अकेलापन लगने लग जाता है। उसे महसूस होता है कि जिस जिस से वो प्यार करता था एक एक करके वो सब उसे छोड़कर जा चुके थे। जब वो छोटा था तो उसके पिता गुजर गए और फिर उसके बाद यक्षिणी चली गई, युग को भी उसे ना चाहते हुए हॉस्टल भेजना पड़ा और अब चित्रा जो उसकी पत्नी थी वो भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो अकेला पड़ गया था, इतना अकेला कि उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उस अंधेरे में वो अपने आप को कहीं गुम होते हुए नजर आ रहा था। वो ग्रेवयार्ड कोठी जो उसे सबसे ज्यादा सुकून दिया करती थी, आज वही ग्रेवयार्ड कोठी उसे काटने के लिए दौड़ रही थी। उसका दम घुट रहा था। उस चेयर पर बैठे बैठे देखते ही देखते अनुराग की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, उसकी आंखें भारी होने लग जाती हैं।
अनुराग रोते हुए खुद से कहता है, सब मुझे छोड़कर चले गए, कोई नहीं है मेरे पास, सब चले गए, मैं अकेला पड़ गया यक्षिणी, अकेला पड़ गया। जब दुनिया की मोह खत्म हो जाती है हम अकेले पड़ जाते हैं, उसी के बाद हमें उस शख्स की याद आती है जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं, और अनुराग को भी अपने सच्चे प्यार की याद आने लग जाती है, जो वो किसी और से नहीं बल्कि यक्षिणी से करता था। अनुराग को यक्षिणी की याद आने लग जाती है, उसे याद आता है कि एक यक्षिणी ही थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी, वो अभिशाप जिसके लिए वो सदियों से भटक रही थी उससे मुक्ति पाने के लिए। चाहती तो वो उसको मार भी सकती थी, पर फिर भी यक्षिणी ने उसे नहीं मारा क्योंकि यक्षिणी उससे प्यार करती थी। यक्षिणी ने अपना सब कुछ अनुराग को दे दिया था, बस अनुराग की एक गलती के कारण वो उसे छोड़कर चले गए। अनुराग रोते हुए यक्षिणी को याद करते हुए खुद से कहता है, यक्षिणी एक तुम ही थी जो मुझसे प्यार करती थी, मुझे समझती थी, मेरे दर्द को अपना मानती थी, पर तुम भी चली गई। वापस आ जाओ यक्षिणी, वापस आ जाओ, अपने लेखक बाबू को माफ कर दो यक्षिणी, माफ कर दो। अनुराग यक्षिणी को याद करते हुए सिसकियां भरते हुए रोते जा रहा था। मर्द तब नहीं रोता जब वो जिंदगी से हार जाता है, मर्द तब रोता है जब वो प्यार में हार जाता है, और आज अनुराग भी प्यार में हार गया था। अनुराग फिर रोते हुए कहता है, देखो मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ यक्षिणी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, अब तो मेरे पास वापस आ जाओ यक्षिणी, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, वापस आ जाओ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग फिर रोते हुए कहता है, देखो मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ यक्षिणी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, अब तो मेरे पास वापस आ जाओ यक्षिणी, माफ कर दो मुझे, वापस आ जाओ। जिंदगी में हमें पता होता है कि जो शख्स हमें छोड़कर गया है वो कभी वापस नहीं आने वाला है, पर कहीं ना कहीं हम उसके वापस आने की उम्मीद लगाए रहते हैं, और वही उम्मीद अनुराग लगाए हुए था यक्षिणी के लिए। वो ये बात अच्छे से जानता था कि यक्षिणी उसकी एक गलती के कारण उसे छोड़कर जा चुकी थी, जो अब कभी वापस नहीं आने वाली थी, पर तब भी अनुराग उसके वापस आने की उम्मीद लगाए हुए था और उसे पुकारे जा रहा था। यक्षिणी को याद करते हुए ही रोते रोते कब अनुराग की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है, और वो चेयर पर बैठे बैठे सो जाता है। सुबह हो गई थी, सुबह के 8 बज रहे थे, और अनुराग अभी तक अपने कमरे में चेयर पर बैठे बैठे सो रहा था। अनुराग सो ही रहा था कि उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कोई इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा था कि अनुराग के कमरे तक आवाज सुनाई दे रही थी, जिस कारण उसकी नींद टूटने लग गई थी। अनुराग की नींद टूट जाती है और वो धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है। अनुराग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये सुबह सुबह कौन आ गया। अनुराग झट से चेयर पर से उठता है और दरवाजा खोलने के लिए नीचे जाने लग जाता है। जब अनुराग दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि चार्ली और जाटव दोनों खड़े हुए थे। उन दोनों के पीछे ही दो कांस्टेबल और खड़े हुए थे जिसे अनुराग पहली बार देख रहा था। अनुराग चार्ली से कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली बोल पड़ता है, क्या कर रहे थे आप लेखक बाबू, कब से हम दोनों दरवाजा खटखटा रहे हैं, आधे घंटे से यहीं खड़े हुए हैं। अनुराग अपनी आंखें मलते हुए कहता है, सॉरी चार्ली जी, वो बस गहरी नींद लग गई थी इसलिए आंख नहीं खुल पाई। चार्ली तंज कसते हुए कहता है, क्या कहा, नींद लग गई थी, मुझे तो लगा था कि आपको रात भर चैन नहीं मिलने वाला है। बताओ यहाँ पर आपकी पत्नी लापता है और आप घोड़े बजकर सो रहे हैं, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी लेखक बाबू। अनुराग खामोश खड़ा रहता है, अनुराग की आंखें पूरी लाल थी जैसे वो रात भर नहीं सोया हो। चार्ली अनुराग की लाल आंखों को घूरते हुए कहता है, आपको देखकर लगता नहीं लेखक बाबू कि आप रात भर सोए भी होंगे, जरा आंखें देखिए आप अपनी कितनी लाल हो रही हैं। ये आप सच में गहरी नींद में सो रहे थे या सारी रात कुछ और कर रहे थे। अनुराग चार्ली से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, आंखें सिर्फ रात भर सोने के कारण लाल नहीं होती चार्ली जी, बल्कि रात भर रोने से भी लाल हो जाती है। जिस शख्स ने अपनी सारी रात रोकर गुजारी हो उसकी आंखें तो लाल होंगी ही ना। चार्ली मुस्कुराते हुए कहता है,
वाह लेखक बाबू, क्या बात कही आपने। आपकी यही बातें तो मुझे आपका फैन बनाती हैं। आप बातों ही बातों में ऐसी बातें बोल देते हैं कि आपकी बातें सीधे दिल को छू जाती हैं। आंखें रात भर सोने से नहीं रोने से लाल हुई है। वाह क्या बात कही है आपने। अनुराग सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहता है, आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? आपको चित्रा के बारे में कुछ पता चला है क्या? चार्ली कुछ जवाब देता उससे पहले ही जाटव बोल पड़ता है, नहीं लेखक बाबू, चित्रा जी के बारे में तो अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। पर कल रात चार्ली ने आपसे कहा था ना कि सुबह होते ही हम ग्रेवयार्ड कोठी आ जाएंगे, तो देखिए हम आ गए। यहाँ मेहंदी पथार की पुलिस ना बातों की पक्की है, जो बोलती है वो करती है। ऐसी पुलिस कहीं देखी नहीं होगी आपने। चार्ली झट से जाटव की बात खत्म होते ही बोल पड़ता है, बिल्कुल सही कहा जाटव ने। देखना लेखक बाबू, हम अभी आपके घर की तलाशी लेंगे और कोई ना कोई सुराग ढूंढ निकालेंगे। जिसने भी चित्रा भाभी को अगवा किया है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, ग्रेवयार्ड कोठी में तो सिर्फ एक ही सुराग था और वो था चित्रा और प्रशांत का मोबाइल, जो मुझे कल रात मिला था। मैं क्या करूं, उनका मोबाइल इन्हें दूं या नहीं? अनुराग सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। अनुराग घबराहट के साथ मन में सोचने लग जाता है, नहीं नहीं, मैं चार्ली को वो मोबाइल नहीं दे सकता। अगर मैंने इन्हें वो मोबाइल दे दिए तो इन्हें पता चल सकता है कि चोरी का बस नाटक रचा गया था। चित्रा और प्रशांत एक दूसरे के साथ भाग गए हैं। अगर ये बात गांव में फैल गई तो बहुत बदनामी होगी। बदनामी तो छोड़ो, जब युग वापस लौट कर आएगा तो उसके सब दोस्त उसे यही कहकर पुकारेंगे कि उसकी माँ एक भगौड़ी थी, एक चाय वाले के साथ भाग गई थी। ये बात सुनकर मेरे बेटे का सिर शर्म से नीचा हो जाएगा और मैं कभी अपने बेटे का सिर शर्म से नीचा नहीं होने दूंगा। अनुराग फैसला लेते हुए कहता है, नहीं, मैं कभी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अपने तक ही रखूंगा कि चित्रा प्रशांत के साथ भागी है। अनुराग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर चार्ली समझ जाता है कि अनुराग कुछ सोच में डूबा हुआ था। चार्ली झट से अनुराग से पूछ पड़ता है, किस सोच में पड़ गए लेखक बाबू आप? अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं चार्ली जी, बस ऐसे ही वो मैं। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जाटव बोल पड़ता है, मुझे पता है लेखक बाबू क्या सोच रहे हैं। जाटव के मुंह से ये बात सुनकर अनुराग घबरा जाता है। उसे लगने लग जाता है कि कहीं यादव को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। अनुराग ज्यादा घबराता कुछ और सोचता उससे पहले ही जाटव बोल पड़ता है, लेखक बाबू जरूर अपनी किसी कहानी के बारे में सोच रहे होंगे। मैंने सुना है लेखक लोग ना हमेशा कहानी के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसी में खोए हुए रहते हैं। चार्ली हंसते हुए बोल पड़ता है, तू भी ना जाटव कुछ भी कहता है, यहाँ लेखक बाबू की जिंदगी खुद एक कहानी बनी हुई है, वो कहाँ किसी कहानी के बारे में सोचेंगे। अनुराग खामोश खड़ा रहता है। चार्ली अपना दिमाग दौड़ाते हुए फिर अनुराग से कहता है, लेखक बाबू मैं तो कहता हूँ आप ना खुद अपने आप पर एक किताब लिख दीजिए, जिसका टाइटल आप रखना लापता घरवाली। ये बात कहकर चार्ली खुद हंसने लग जाता है और उसके साथ ही जाटव और बाकी के कांस्टेबल भी हंसने लग जाते हैं। अनुराग उन सबको घूरने लग जाता है। चार्ली बात को बदलने के लिए तुरंत कहता है, बस बहुत हुआ हंसी मजाक, अब काम शुरू करते हैं। चलिए लेखक बाबू अंदर आइए, देखिए हम कैसे सुराग ढूंढते हैं। इतना कहकर चार्ली अनुराग को साइड करके ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। चार्ली के पीछे पीछे ही बाकी सब भी कोठी के अंदर घुस जाते हैं। जब चार्ली और बाकी सब ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते हैं तो ग्रेवयार्ड कोठी को बस देखते ही रह जाते हैं। चार्ली अपनी नजरें ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ घुमाते हुए हैरानी के साथ कहता है, मैंने सच ही सुना था इस कोठी के बारे में, ये वाकई बहुत अद्भुत कोठी है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत कोठी कभी नहीं देखी। जाटव कुछ डरते हुए कहता है, चार्ली तुम शायद भूल रहे हो, ये कोठी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ग्रेवयार्ड कोठी है, ये दिन में जितनी खूबसूरत दिखती है रात में उससे ज्यादा खौफनाक हो जाती है। जाटव की ये बात बोलते ही चार्ली डरने लग जाता है और वो डरते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने जाटव, हमारा ज्यादा देर यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तुम जल्दी से तहकीकात करना शुरू करो। सभी लोग ग्रेवयार्ड कोठी में तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग बढ़ जाते हैं, अलग अलग कमरे में जाने लग जाते हैं। बस चार्ली हॉल में ही रहता है अनुराग के साथ। चार्ली हॉल में चारों तरफ बिखरे उसके सामान को देखते हुए कहता है, बताओ क्या हाल बना दिया है, इतनी अच्छी कोठी का उस चोर ने सारा सामान बिखरा दिया है, वो एक बार मेरे हाथ लगे तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसी सजा दूंगा कि फिर कभी चोरी करने का ख्याल तक उसके मन में नहीं आएगा। चार्ली कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए ग्रेवयार्ड कोठी में तहकीकात करने में लगा हुआ था। अनुराग उसी के पास खड़ा हुआ था पर उसके चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो रात में ही चित्रा और प्रशांत के मोबाइल को एक ऐसी जगह पर रख चुका था जहां से वो कभी चार्ली के हाथ नहीं लगने वाले थे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब चार्ली को हॉल में कोई सुराग नहीं मिलता है तो वो बहुत जल्दी थक जाता है और हॉल में रखे सोफे पर ही बैठ जाता है।
अनुराग उसी के पास खड़ा रहता है। बाकी के लोग ग्रेवयार्ड कोठी में तहकीकात करने में लगे हुए थे। चार्ली ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, लेखक बाबू एक बात पूछूं आपसे। अनुराग पलट कर कहता है, हाँ चार्ली जी पूछिए ना, क्या पूछना है आपको। चार्ली हिचकिचाहट के साथ कहता है, आप ना सही सही जवाब देना, मुझे ना आप बदले बदले लग रहे हैं। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, बदला बदला लग रहा हूँ मतलब। चार्ली जवाब देता है, मतलब ये कि कल रात जब आप आए थे ना तो बड़े बेचैन लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप अपनी पत्नी को ढूंढना चाहते हैं, पर अब आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। आपकी पत्नी मिले या ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुराग कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले चार्ली अनुराग को अपने पक्ष में लेने के लिए झूठी मुस्कान के साथ बोल पड़ता है, कहीं आप अंदर ही अंदर खुश तो नहीं हो रहे अपनी पत्नी के चले जाने से। चलो अच्छा ही है, चली गई बला टली, मेरी पत्नी चली जाए तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। अनुराग मायूसी के साथ जवाब देता है, नहीं चार्ली जी ऐसी कोई बात नहीं है, चित्रा के जाने से मैं क्यों खुश होऊंगा, आखिर वही तो मेरी देखरेख करती थी। मैं शांत इसलिए हूँ क्योंकि जब किसी चीज के वापस मिलने की उम्मीद टूट जाती है तो बेचैनी खत्म हो जाती है, और मेरी बेचैनी के खत्म होने की यही वजह है। चार्ली कहता है, आपकी यही बात तो मुझे पसंद है लेखक बाबू, आपकी बातें ना सीधे दिल को छू जाती हैं। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे एक बात बताइए लेखक बाबू, क्या मैंने सही सुना है। अनुराग चार्ली को एकटक देखते हुए पूछता है, क्या सुना है आपने। चार्ली जवाब देता है, मैंने सुना है कि आप अगली किताब यक्षिणी पर लिख रहे हैं। उस पर किताब लिखने के लिए खास तौर पर इस ग्रेवयार्ड कोठी में रुके हुए हैं, वरना पहले आप दिल्ली में रहते थे। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही सुना है चार्ली जी, मैं यक्षिणी पर कहानी लिखने के लिए यहाँ पर अब तक रुका हूँ, वरना यहाँ से कब का चला जाता, यहाँ पर मेरा है ही कौन। चार्ली डरते हुए कहता है, आपको उस डायन पर किताब नहीं लिखनी चाहिए लेखक बाबू, वो डायन है डायन। अनुराग तुरंत चार्ली को टोकते हुए कहता है, नहीं नहीं चार्ली जी आप यक्षिणी को डायन मत बोलिए। चार्ली पलट कर कहता है, अब डायन को डायन नहीं बोलूं तो क्या बोलूं लेखक बाबू, आप ही बताइए। अनुराग कहता है, वो डायन नहीं है चार्ली जी, देवी है देवी। चार्ली अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या कहा आपने लेखक बाबू, देवी, मैं पहली बार किसी के मुंह से सुन रहा हूँ जो उस डायन को देवी बोल रहा है। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी देवी, वो यक्षिणी देवी है, डायन तो वो बस अपने अभिशाप के कारण बन गई है।